सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, पर ऐसा नहीं है। लोग भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं। अपना जमीर बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि फकीर बन जाएं। अभिमान की ताकत फरिश्ते को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। आज का पंचांग 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:21 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 9:08 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:11 से 10:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:45 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 9:08 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। तुला राशि 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार, यह समय मजे और स्वतंत्रता दोनों में से किसी एक को चुनने का है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंत्रता भी मिल ही जाएगी। हालांकि अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आप अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बाद में आपको इसका फल जरूर मिलेगा, इसलिए परिश्रम करते रहें। वित्तीय स्थिति के लिए भी परेशान ना हो, समय के साथ ठीक होती जाएगी। सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों और भाई बहन से आपको लाभ मिलेगा। यह नेटवर्किंग के लिए आदर्श क्षण है जिसमें बने कनेक्शन भविष्य में सफलता का कारण बनेंगे। विपरीत सेक्स के लोग आपकी ओर आकर्षित करेंगे। एक ग्रुप या क्लब आपको सदस्य बनाने के लिए उत्सुक है। व्यस्त और थका देने वाली दिनों के बाद आज के दिन पार्टी के लिए उपयुक्त है। आज आपको उत्साह चरम सीमा पर होगा। अपने प्यार करने वालों के साथ समय बिताएं, क्योंकि प्रियजन हमेशा ताकत और उत्साह प्रदान करते हैं। एक कमजोर इंसान तब रुकता है जब थक जाता है, जबकि विजेता तब थमता है जब वो जीत जाता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी। ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। यह वक्त इस बात को समझने का है कि गुस्सा थोड़ा पागलपन है, छोटा पागलपन है, और यह आपको भारी नुकसान की तरफ धकेल सकता है। आपका प्रिय दिन भर आपको याद करने में समय बिताएगा। दफ्तर में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है उससे अच्छी बातचीत हो सकती है। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करती हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। आप दुनिया में खुद को सबसे रहीस महसूस करेंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी का व्यवहार आपको ऐसा महसूस कराएगा। अपने किसी योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव दूर होगा, मन को सुकून मिलेगा, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए रुझान बढ़ेगा। जीवन में नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नों की दिशा बदलती रहेगी। एक जैसे विचार और प्रयत्न करने से पुरानी गलतियां दोबारा हो सकती है। पैसों से संबंधित समस्या दूर करने के लिए लोन या उधार ना लें। अपनी मेहनत के जरिए आय बढ़ाने की कोशिश करें। उच्च शिक्षा संबंधित निर्णय आगे के लिए टालना पड़ सकता है। काम से जुड़े बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। पार्टनर और आप एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, इस कारण समस्या दूर हो सकती है। लो बीपी और शुगर के कारण कमजोरी भी हो सकती है, ख्याल रखें। सावधानियां, अपने कार्यों को खुद ही पूरा करें, किसी से ज्यादा उम्मीद न रखें। कुछ नकारात्मक लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस रखना होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और सुखद वातावरण रहेगा।
प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां भी बढ़ेगी। आप और आपके साथी के लिए आज जीत की स्थिति बनी हुई है। आपकी कामुक भावना आप पर हावी है, जिसके कारण आप मजबूर हैं। इसी तरह की आग दूसरी तरफ भी विद्यमान है। सचेत रहें और पूछे आप निराश नहीं लौटेंगी। सिर्फ एक छोटी सी कोमल और देखभाल वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और वैसे आप एक समझदार साथी हैं। आज आप अपने बड़े भाई या बहन के साथ समय बिताएंगी। रोमांटिक संबंधों को लेकर चिंतित हो सकती हैं, लेकिन याद रखें कि मोहब्बत में बनाए रखने के लिए कोशिश एक तरफ नहीं दोनों तरफ से होनी चाहिए। कोई शुभ चिंतक आपका मार्गदर्शन कर सकता है, यह व्यस्त अवधि आपके और आपके चाहने वालों के बीच में दरार डाल सकती है, जिससे वो आपसे भावनात्मक रूप से दूर महसूस करेंगे। अपने दिल के खास व्यक्ति पर आज विशेष ध्यान दें और प्रेम दें। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनको अनदेखा ना करें, क्योंकि वही आपकी शक्ति और आत्मविश्वास के आधार हैं। बात करती हैं करियर की। अपने आकर्षण और संचालन के तरीकों के कारण आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक कई घरेलू मुसीबतों के कारण आप कुछ समय तक भ्रमित हो सकती हैं, किंतु आप अपनी मंजिल पा ही लेंगी। आज कुछ अप्रत्याशित करियर और नौकरी के मौके भी मिल सकती हैं। कई दिनों तक बिना ब्रेक लिए काम करने के बाद अब परिणाम का समय है। उत्सव और पार्टी की भी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में आप व्यस्त हो सकती हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। अपने प्रियजनों को नजरअंदाज ना करें, और याद रखें, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है, एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपने धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आपके अपव्यय करने की आदत से आपको अपनी निकट की व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ सकती है। ये समय उनके सुझावों को मानने का है, और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कम करने का भी। ये समय उन कार्यों को पूरा करने के लिए भी बिल्कुल अनुकूल है, जो पिछले कुछ समय से अधूरे हैं। आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ऑफिस में टीम वर्क में काम करें। कर्मचारियों के ऊपर कार्यभार अधिक रहेगा। आपके प्रयास सफल होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एक नई साझेदारी कर सकती हैं। आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, और आप कुछ महत्वपूर्ण संपर्क भी कर सकती हैं। यह हो सकती है। बात करती हैं सेहत की। पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें रहेगी, जैसे कब्ज, गैस आदि। कईयों के लिए सेहत के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप इस बात पर ध्यान दें कि ऐसा किस कारण से हो रहा है, जिससे आप तनाव से बच पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है। आज का उपाय। आज अब शनि भगवान जी को तेल चढ़ाएं और पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।